व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाजरीन कैसे हैं आप अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने सामान में रखे आमीन समे नाज़रीन मोहतरम वज़ू करने के बाद अमूमन आपने भी देखा होगा और शायद ये अमल आप भी करते हूँ कुछ लोग इस तरह उंगली खड़ी करके और ऊपर मुंह ऊपर करके तो कलमा शहादत पढ़ते हैं दुआ पढ़ते हैं और बाद दफ़ा दौरान वज़ू वजू करते हुए लोग जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत पढ़ रहे होते हैं क्या ये एक सुनतमल है या ये हमने ख़ुद अपनी तरफ से बना लिए इसकी क्या दलील है और सही तरीक़ा क्या है किस वक़्त हमें दुआ करनी है और कौन से तरीक़े के मुताबिक दुआ करनी है इसी के ऊपर आज जो है ना वो हम एक वीडियो देखेंगे ताकि हम इस मसले को सही समझ के उसके ऊपर अमल कर सकें तो सबसे पहले जो हम वीडियो देखेंगे वो देखेंगे मुफ्ती तारक साहब की ये अहल सुन्नत वाल जमात बरेलवी मकता फ़िक्र के साथ ताल्लुक रखने वाले तारक साहब हैं इनकी वीडियो ज़रा मुलाजा करें कि ये क्या फरमाते हैं तो मुफ्ती तारक साहब की वीडियो मुलाजा

जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे यानी जो शख्स वजू कर लेने के बाद आसमान की तरफ आंख उठाए और यह काली बात पढ़े अशहद मुहम्मदन वह व कर तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे फिर वो जिसमें से चाहेगा दाखिल हो जाएगा इसी तरह तिरमी शरीफ की रिवायत में यह कलिमात ज्यादा है कि वो साथ में यह दुआ भी पढ़े अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा तोबा करने वालों और बहुत ज्यादा पाकिजगी हासिल करने वालों में से बना दे तो फरमाया जो बंदा यह कलिमात पढ़े तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिसमें से चाहेगा दाखिल हो जाएगा इस... जी नाजरीन मोहतरम आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी है मुफ्ती साहब ने उंगली उठाने का तो जिक्र नहीं किया अलबत्तः इन्होंने आंख ऊपर करने का कहा है आंखें इस तरह ऊपर करके या चेहरा ऊपर करके कि ये दुआ पढ़ें दुआ भी इन्होंने दस बताई है दूसरी दुआ भी बेहतरीन बताइए ठीक बताइए यही दुआ है ये भी बिल्कुल इन्होंने सही बताया है कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है वजू करने के बाद अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल लेकिन ये ऊपर मुंह करने के बारे में जो इन्होंने बताया है क्या ये सही है मसला या कोई जयफी इन्होंने पेश की है बहर हम जो है ना वो एक और वीडियो देखते हैं वो है मुफ्ती तारक मसूद साहब का कि वो क्या फरमाते हैं तो मुफ्ती तारक मसूद साहब की आप वीडियो मुलाहजा फरमाएं वज़ु के बाद आसमान की तरफ उंगली उठाना वज़ू के बाद दुआ पढ़ते वक्त आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाना सुन्नत है या नहीं अबू जुमाना सऊदी अरब से कल मैं शहादत पढ़ना तो सुन्नत है आसमान की तरफ़ देखना या उंगली उठाना ये सुन्नत से साबित नहीं है सिर्फ कल मैं शहादत पढ़ना सुन्नत से है और इसकी तरगीब है जी नादरीन मोहतरम मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है बस साहब ने दुआ पढ़नी है और वो दुआ वज़ू के बाद कर सकते हैं उंगली उठाने का भी कहीं पे कोई ज़िक्र नहीं है ठीक है जना ये थे मुफ्ती तारक मसूद साहब अब हम जो है ना वो इस मसले को मजीद समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो सही मसलाए ना हम उसी के ऊपर अमल करें सुन्नत तरीक़े के ऊपर अमल करें वही हमारे लिए राह निजात है क्योंकि रसूल सल्ह वसम के उसवा हसना पे चलने का हमें हुक्म है तो अगली आप वीडियो देखें अहल हदीस मतबा फ़िक्र के साथ ताल्लुक रखने वाले स्कॉलर हैं बहुत मशहूर और बहुत अच्छे बयान करते हैं मोहतरम जनाब फैज अहमद के रहने वाले कि ये क्या फरमाते हैं तो एडवोकेट फैज़ साहब की वीडियो वजू से पहले एक दुआ वज़ू के दौरान कोई दुआ नहीं है कोई दुआ नहीं अर्ष लोग चेहरे मारते एला एला नहीं इब्तदा में एक दुआ बिमिल्ला वो ला, 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 ला से सदु सब बिदात है याद रखी और वज़ू के ख़ात्मे पर एक दुआ एक दुआ क्या दुआ थी जो आप पढ़ते थे आप सल्ह वसम के तल्स से आता है और आप सदम है। फ़रमाते हैं सही मुस्लिम की और जाम तरमीज़ी की है कि नबी अचरम सल्म जो वज़ा कर वज़ू करते थे पढ़ते अशद वाह शरी वशद महमदन अब्दूर रसूलू अल्लाजानाबिन व जाल मिनतरीन ये दुआ है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूोद बरख़ नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल है अल्लाह मुझे अल्लाजान मिनत तोाबिन अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में शामिल कर तो तरफ रजू करने वाले में शामिल कर व जान मिनत मत और मुझे तहारत हासिल करने पाकिज़ा लोगों में पाकिज़गी वालों में शामिल कर ये दुआ करते नबी करम सल इस दुआ के बाद शहादत की उंगली उठाने या आसमान की तरफ़ देखने के तलु से कोई सही रिवायत साबित नहीं है तो लिहाजा आप उसको यूँ ही पढ़ लें ठीक है ना उठाने की ना देखने की दोनों रिवायतें बहरहाल ज़यीफ़ हैं तो लिहाजा सिर्फ इसको पढ़ना है और जोश ऐसा करता है आप वसल्लम फरमाते जोश वजू करें मुकम्मिल अच्छे से करें उसके बाद ये पढ़े ये दोनों चीज़ें गवाही दें और ये दुआ पढ़ें तो जन्नत के आठों दरवाज़े रोज़ अमत उसके लिए खोल दिए जाएंगे जिसमें से चाहे उसमें से दाखिल हो जाए ये नादरीन मोहतरम फैज़ अहमद एडवोकेट साहब की वीडियो आपने देखी है उन्होंने जो कहा है कि एक दुआ पहले है वो ठीक है बिल्कुल इसी तरह है। तो वज़ू करने से पहले सिर्फ़ बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू ये दुआ है और उसके बाद आपने आराम से वजू करना है फिर उसके बाद जो है ना वो दुआ जो मशहूर है वो भी आप पढ़ सकते हैं कलमा शहादत का भी ज़िक्र है इसको भी दुआ ही कहते हैं बग़ैर उंगली उठाए हुए बग़ैर आसमान की तरफ देखे हुए ये आप दो पढ़ेंगे तो इन शह आपके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुलेंगे इन ठीक है तो ये बीच में जो पढ़ रहे होते हैं हाथ मुंह धोते हुए कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे होते हैं तो इसका कोई तस्करा कहीं पे हदीस में नहीं है ठीक है जी बहरल हम एक वीडियो और भी देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब

उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाएंगे और सुनन सुन कुबरा के अंदर मौजूद है कि जो नमाज के बाद पढ़ता है सुबह वजू के बाद सुबह जो महफिल से उठने की दुआ है जो सुबह शाम जो फर्ज नमाज के बाद भी इस गार में शामिल है हमारे ग्रीन कार्ड में लिखी है तो अल्लाह ताला उसकी इस नेकी को क्यामत के दिन तक के लिए स्टोर कर देगा और खजाना बना के उसके नाम में डाला जाएगा ये सही सनत के साथ है अमलुल वल लैला एक चैप्टर है हैबरा का उसमें ये मौजूद है सबरा के अंदर मौजूद है इस दुआ को भी याद करें तो ये दुआएं आप वजू के बाद पढ़ेंगे जी नादरीन मोहतरम आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो भी देख ली है इंजीनियर साहब के मुताबिक भी सही तरीका ये है कि आप वजू करने के बाद जो है ना वो मसनून दुआ वो बगैर उंगली उठाए बगैर मुंह ऊपर किए आपने सिंपल सादे तरीके से एक दुआ पढ़नी ली है अल्लाह ताला आपको इन शह जन्नत के आठों दरवाजे आपके लिए खोल देगा आप किसी में से भी चाहे तो गुज़र सकते हैं लेकिन इसके लिए बाकी शराब भी हैं बस कहीं हम यही ना सोच के फिरते रहें कि बस सिर्फ़ वज़ो कर लिया तो बस आठों दरवाज़े हमारे लिए खुल गए रसूलुल्लाह की पूरी की पूरी तबाह इन तो फिर हमारे लिए दरवाज़े ज़रूर खुलेंगे बहरल जी मौलाना मोहम्मद इसाक मदनी मरहूम उनकी वीडियो भी रहती है कि वो क्या फरमाते हैं शायद उनके नॉलेज में कोई चीज हो कि जी आपने उंगली उठानी है या इशारा करना हो तो इसहा साहब की वीडियो देख ले वजू करने के बाद जो लोग करते हैं ना कि आसमान की तरफ उंगली भी खड़ी करते हैं देखते भी हैं ठीक तो इसमें जो है ना उंगली खड़ी करना दिए तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है मुंह आसमान की तरफ करके ये कलमा पढ़ना इसकी एक सही हदीस है सही यही है कि आप सिर्फ कलमा पढ़ें शहादत ना आसमान की तरफ देखें ना उंगली उठाएं जो सही तरीका ना दीन से साबित वो सिर्फ कलमा शहादत आसमान को भी न देखें ना उंगली उठाएं ये नहीं साबित साहब की बात भी आपने सुन ली है उनके मुताबिक भी सिंपल सादा तरीका है कि आपने वजू करने के बाद बगैर उंगली खड़े की हो इसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं है आपने सिर्फ ये दुआ पढ़ लेनी है इन शह तला आपके लिए आठों दरवाजे जन्नत के खोल देगा अब जितनी भी हमने वीडियो देखी है पाँच पाँचों में तकरीबन यही है कि उंगली उठाने का कोई जिक्र नहीं है कहीं पे पहले मुफ्ती साहब जो है उन्होंने सिर्फ ऊपर आंख उठाने का जिक्र किया है वो भी हदीस ज़ैफ़ है अगर वो सही हदीस होती तो बाकी जितने भी जो ना वो चार लवा हैं उन्होंने ज़रूर वो हदीस बयान कर देनी थी सावधरें उनके नॉलेज में भी होनी थी तो पहले मुफ्ती साहब ने भी हदीस का ही हवाला दिया लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है ठीक है जनाब तो बहर हम जो है ना वो इत्तेफ़ाक करेंगे बाकी चार के साथ कि बिस्मिल्लाह करके आपने वजू करना है और उसके बाद जो है ना वो बगैर हाथ उठाए बग़ैर चेहरा ऊपर किए सिंपल सादा जो है ना वो दुआ कर लेनी है बाद दफ़ा हमारे ना माशरे में चीज़ें रायज हो जाती हैं फिर उसकी कोई तहक़ीक नहीं करता कोई खोज नहीं लगाता बस जिस तरह जो है ना वो चल रहा होता है सिस्टम वो उसी तरह जो है ना वो चलता रहता है नस्ल दर नसल, नसल ट्रांसफ़र हो जाता है जिस तरह बेतहाशत चीज़ें जो है ना वो हम तक पहुँची हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबें खोली हैं देखा है आपने हमने तो चीज़ें वाज़ हो गई हैं कि हम तो गलती पर थे बहर अल्लाह ताला हमें सही सुन्नत रसूल के ऊपर अमल करने की तोफ़ीक़ा फ़रमाए सही इतबा रसूल के तकाज़े पूरे करने की तोफ़ीकता फ़रमाए इजाज़त चाहूँगा असलकुम वरम वर्क